ये मीटर की वायर है। अब काफी लोगों को ये डाउट रहता होगा कि मीटर की जो ऑटो होती है वो घूमती कैसे है, कोई सेंसर होता है या मैकेनिकल होता है? तो ये पूरी तरीके से मैकेनिकल है, हालांकि सेंसर भी होता है बट वो इन बाइकों में नहीं होता है, कम्यूटर वाली में। वो थोड़ी महंगी बाइकों में और हाई एंड बाइकों में होता है सेंसर से, जो सेंस कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये, इस पर फोकस हो जाए बस थोड़ा, हाँ हो गया। ये इस पर आप देख रहे हो गरारियाँ जैसी बनी हुई हैं, इसके अंदर भी एक सेम ऐसा बना होता है। तो ये मेल फीमेल कपलर की तरह अंदर चला जाएगा, टायर के रोटेशन के साथ वो घूमेगा, उसके साथ ये वायर घूमेगी। देखो अगर मैं हाथ से घुमाऊंगा ना, ये घूम रही है, देख रहे हो? जब ये घूमती है तो यहाँ पे ये ओडो का जो ये 7 है, ये 8 होगा, फिर 9 होगा, मीटर का है वो व्हाइट वाला, फिर किलोमीटर में होगा, फिर 2, 3, 4 ऐसे होगा। तो उसके साथ साथ वो कनेक्टेड होता है, इसी वजह से स्पीड का ओडो का पता चल जाता है। नहीं पता था तो अच्छी बात है, पता था तो भी अच्छी बात है। थैंक यू।